मुख्यमंत्री हैं वो मगध के मुख्यमंत्री हैं और हमने उनका एक नया नामांकन किया है, इनको हम नीतीश कुमार नहीं करते हैं कहते हैं बल्कि मगध राक्षस कहते हैं, ये मगध राक्षस हैं, इनको मगध के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। असमानतापूर्ण व्यवहार है, मिथिला की गरीबी है और इस कारण से हम एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर अब मुखर हैं और इसलिए हम ये कहते हैं कि हम बिहारी नहीं, हम मैथिल। जो हमारा हिस्सा पैसा आता है वो खर्चा मगध में होता है तो हम तुलना किससे करेंगे? हम अमेरिका से तुलना नहीं करेंगे। जहाँ पे खर्चा हो रहा है, हमारे हिस्से का पैसा जिस क्षेत्र को दिया जा रहा है, हमारे साथ जिस क्षेत्र का व्यक्ति भेदभाव कर रहा है, हम उसी से तुलना करेंगे ना। मिथिला एक राज्य भी था, मैथिल एक संस्कृति भी है और मैथिली एक भाषा भी है। मिथिला का विकास केंद्र सरकार करना भी चाहती है, ये मगध राक्षस नीतीश कुमार उस विकास को रोकने का काम करती है। जैसे हमारे अध्यक्ष आदित्य जी ने कहा है कि एम्स का काम इन्होंने रोका हुआ है। बनाया था 1934 में हमारे महाराज ने बनाया हुआ था एम्स के लिए जमीन, राजा ने 170-200 एकड़ जमीन छोड़ के गया हुआ था, उस पर केंद्र सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया, वो तो उसको अब तक अटका के रखी है। हम शान से कहते हैं कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं है, हम सब मैथिल छी, बिहारी नहीं। बिहार 1912 में बना, उससे पहले बिहार की कोई आइडेंटिटी नहीं थी और जबरदस्ती हमें बिहार में, उस समय भी हमने मांगा था कि अलग मिथिला राज्य का गठन हो, उस समय हमारे पुरखों ने कहा था अलग मिथिला, अलग मगध भोजपुर, अलग उड़ीसा और अलग झारखंड राज्य एक बने। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस बिहार नाम के आर्टिफिशियल शब्द से सिर्फ और सिर्फ मगध के लोगों को लगाव है, भोजपुर के लोग भी चाहते हैं कि पूर्वांचल एक अलग राज्य बने। ये कौन सी आपकी मानसिकता है कि लोग मगध की गुलामी करने पूर्णिया से आए, ये कैसी मानसिकता है कि लोग मगध की गुलामी करने बक्सर से आए, ये कैसी मानसिकता है कि लोग जो है दरभंगा से गुलामी करने मगध पटना आए, अब वहां पे व्यवस्था क्यों नहीं करवाते? इसी मानसिकता के विरुद्ध हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं। पटना की सड़क पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम बिहारी नहीं है, मैथिल हैं। हम दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम बिहारी नहीं, मैथिल हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी से प्यार है, वो है भारत, भारतीय, हम प्राउड इंडियन है। और उसके बाद अगर कोई आइडेंटिटी हमको प्यारी है तो वो हमारा है मिथिला। मिथिला को अलग राज्य बनाने की मांग फिर तेज हो चुकी है। देखिए, हमने एक इंटरव्यू आपको दिखाया था जिसमें हमारे साथ अनूप मैथिल मौजूद थे, हालांकि वो इंटरव्यू जो था वो जूम से था, लेकिन आज ये पटना आए हैं और पटना आए हैं तो इनसे हम बात करेंगे और साथ साथ आदित्य मोहन भी हमारे साथ हैं। वीडियो से आप इनको पहचानते होंगे, काफ़ी चर्चित चेहरा है सोशल मीडिया पर और लगातार मिथिला को अलग राज्य, एक अलग आइडेंटिटी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। 24 जिलों की इनकी मांग है और बिहार सरकार है कि इस पर सुनने को तैयार नहीं, खुद को बिहारी नहीं मानते हैं, बिहारी आइडेंटिटी से इनकार करते हैं और कहते हैं कि भाई हम मिथिला हैं, हम मैथिल हैं, शुद्ध मैथिल हैं, क्योंकि हमारा जन्म उस भूमि पर हुआ है जो भूमि कभी बहुत समृद्ध रही है, लेकिन आज वो भूमि जो है विध्वंस, इतनी खराब हो चुकी है, विध्वंसक हो चुकी है कि वहाँ पर हर साल बाढ़ आती है और पूरे क्षेत्र को बहा ले जाती है। मिथिला राज्य की मांग है, हम आदित्य मोहन से पहले शुरू करेंगे क्योंकि इनसे हमारी बात पिछले बार नहीं हुई थी। बहुत कड़ा बोलते हैं आप लोग, पहले तो दोनों लोग के लिए रिमार्क है, और आप लोग इंटरव्यू किए, इतना विरोध हुआ मेरा कि फिर मुझे मगध के कुछ लोगों का इंटरव्यू करना पड़ा उस इंटरव्यू को रिकम्पनसेट करने के लिए। तो भाई इतना, मतलब ठीक है, मांग उठना चाहिए, इतना आप लोग इतना टफ क्यों हो जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक देख रहे हैं जी उनको भी नमस्कार। देखिए, मिथिला राज्य की जो मांग है उस पर पहले बात कर लेते हैं। हम लोग टफ नहीं बोलते हैं, मैथिली तो सबसे मधुर भाषा है, हम लोग तो डंडा भी मारेंगे तो आपको मीठा लगेगा। हमारे यहाँ बोला जाता है कि मैथिली बहुत ज़्यादा मधुर भाषा है, हम लोग कठोर नहीं बोलते हैं, चूँकि हम लोग अपना एक आइडेंटिटी मानते हैं अलग। देखिए, 1912 में बिहार विभाजन के बाद बिहार नाम का एक अलग राज्य बना था जी। उससे पहले बिहार नाम की तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी। अच्छा, आज भाषा भी कोई बिहारी तो नहीं है, मगधी है, मैथिली है, भोजपुरी है। 1912 में जो शब्द पहली बार एक टैक्स कलेक्शन यूनिट के तौर पर बनाया गया, 1912 में राज्य के लिए क्यों बनाया गया था? टैक्स कलेक्शन यूनिट, जिसमें ये पूरा इलाका आता था, जिसमें उड़ीसा भी आता था, मिथिला भी आता था, मगध भी आता था, संथाल परगना भी आता था, ये पूरा इलाका था, वो एक टैक्स कलेक्शन यूनिट था जी। आज जो है, आज आप उसको कह रहे एक संस्कृति के तौर पर। मैं मिथिला क्षेत्र से आता हूँ जिसका हजारों साल का इतिहास है। आप जानते हैं राम की अर्धांगिनी, इसको दुनिया माता जानकी कहती है, हमारे यहाँ सीता को बेटी कहा जाता है, वो हमारे यहाँ की थी। अच्छा, जिसका सीता के साथ अस्तित्व जुड़ा है, वो जो हजारों साल से इसकी संस्कृति है। मिथिला एक राज्य भी था,
मैथिल एक संस्कृति भी है और मैथिली एक भाषा भी है, तो मैं उस आइडेंटिटी को स्वीकार करूंगा हजारों साल पुराने को या 1912 में बने हुए एक आइडेंटिटी को। स्वाभाविक बात है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि हम मैथिल हैं, हमारी भाषा मैथिली है, हमारा राज्य मिथिला है, होना चाहिए, तो इसकी हम मांग करते रहे। जैसा आज की स्थिति में आपने कहा है कि मिथिला आर्थिक दौर में बहुत पिछड़ा पीछे छूट गया है। करीब 1970 तक मिथिला इकोनॉमिक रेश में फिर भी था, बट जब दुनिया आगे बढ़ने लगी हम वहीं छोड़ दिए गए। हमारे साथ आज सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, आपने कहा कि बाढ़ है वहाँ पे, चमकी आती है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। लेकिन सिर्फ आप ही लोग छोड़ दिए गए या पूरा बिहार छोड़ दिया गया? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ कि पूरा बिहार छोड़ दिया गया। पूरा बिहार बिल्कुल प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो तो दुरुस्त नहीं थी, यहाँ नेताओं ने तमाम तरह की गड़बड़ियाँ की, ये बात सत्य है। लेकिन फिर भी नालंदा का विकास तो हुआ, आप तो मानेंगे इस बात का कि नालंदा का विकास हुआ है, पटना का विकास हुआ है, यहाँ 22 गो फ्लाईओवर बना है पटना में, आप जानते हैं ना तरीके से। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि IIM नहीं खुला है, गया में खुला है, राजगीर को एक तरीके से डेवलप किया गया है। मैं ये कहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हुई है वो गंगा के दक्षिण ही हुई है, गंगा के उत्तर नहीं हुई, मिथिला में नहीं हुआ। मिथिला में राज्य सरकार ने और वर्तमान जो राजकीय सिस्टम है उसने विकास को एक्चुअली में रोका है। पिछले 30 सालों में आपके यहाँ चीनी मिल तो नहीं बंद हुआ, हमारे यहाँ चीनी मिल बंद हुआ, मतलब मगध में नहीं बंद हुआ, मिथिला में बंद हुआ। जूट मिल हमारे यहाँ था जो बंद हो गया, सूत मिल हमारे यहाँ था जो बंद हो गया, पेपर मिल हमारे यहाँ था जो बंद हो गया, खाद मिल हमारे यहाँ था जो बंद हो गया। इस पिछले 30 सालों में कोई डेवलपमेंट का काम राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुआ। हाँ, लोग गिना देंगे एयरपोर्ट, एम्स, एयरपोर्ट बना बनाया था 1934 में हमारे महाराज ने बनाया हुआ था। एम्स के लिए जमीन राजा ने 170-200 एकड़ जमीन छोड़ के गया हुआ था, उस पर केंद्र सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया हुआ, तो उसको अब तक अटका के रखी है। तो ये जो असमानतापूर्ण व्यवहार है, मिथिला की गरीबी है, और इस कारण से हम एक नए राज्य की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम ये भी कहते हैं कि हम अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर अब मुखर हैं, और इसलिए हम ये कहते हैं कि हम बिहारी नहीं, हम मैथिल। अनुप, आपसे एक सवाल लेते हैं। अब भाई, मगध का विरोध लगातार आप लोग कर रहे हैं और इसके चलते बड़े आहत हैं मगध के लोग, और खासकर जो लोग सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं या फिर जो कंटेंट बनाते हैं जो मगध क्षेत्र से आते हैं, बड़ा आहत होते हैं कि भाई आप लोग अपना बात कीजिए, मगध को क्यों बीच में ला देते हैं, नालंदा को बीच में क्यों ला दे रहे हैं, राजगीर को क्यों ला दे रहे हैं, पटना से गया तक आप लोग ला देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम मगध का विरोध नहीं करते हैं, हम इस सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। और विकास मगध में हुआ है, IIT मगध में खुला है, IIM मगध में खुला है, फ्लाईओवर मगध में बना है, बिहार सरकार की सारी योजनाएं मगध में जो है दिखने को मिलता है। गंगा को भागीरथ ने, गंगा सबको मालूम है हिंदू धर्म में कि भागीरथ एक हुए जिन्होंने इस धरती पे गंगा को लाने का काम किया था, और उसके बाद एक नीतीश बाबू हुए जिन्होंने गंगा को मगध तक पहुँचा दिया, अपने गृह जिला तक पहुंचा दिया, नालंदा तक पहुंचा दिया। तो भैया, विकास मगध में हुआ है, हमारे हिस्से का पैसा जो हमारा राशि केंद्र सरकार से आता है, क्योंकि बिहार में अगर देखेंगे आबादी के दृष्टिकोण से तो हमारी संख्या ज़्यादा है, 7 करोड़ हम हैं, और पूरे बिहार में 12 करोड़ की आबादी में 7 करोड़ हम हैं। तो जो हमारा हिस्सा पैसा आता है वो खर्चा मगध में होता है, तो हम तुलना किससे करेंगे? हम अमेरिका से तुलना नहीं करेंगे। जहाँ पे खर्चा हो रहा है, हमारे हिस्से का पैसा जिस क्षेत्र को दिया जा रहा है, हमारे साथ जिस क्षेत्र का व्यक्ति भेदभाव कर रहा है, हम उसी से तुलना करेंगे ना। हम तो खुलेआम कहते हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो मगध के मुख्यमंत्री हैं, और हमने उनका एक नया नामांकन किया है, इनको हम नीतीश कुमार नहीं कहते हैं बल्कि मगध राक्षस कहते हैं। ये मगध राक्षस हैं, इनको मगध के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ये ऐसे मगध राक्षस हैं कि मिथिला का विकास केंद्र सरकार करना भी आती है, ये मगध राक्षस नीतीश कुमार उस विकास को रोकने का काम करती है। जैसे हमारे अध्यक्ष आदित्य जी ने कहा है कि एम्स का काम इन्होंने रोका हुआ है, मांग हो रहा है कि पूर्णिया सहरसा में एम्स बनाया जाए। वो कब बनाया जाएगा? जब दरभंगा एम्स का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चाहते ही नहीं है कि बिहार में तीसरा एम्स खुले, इसीलिए दरभंगा एम्स को 20 सालों तक अटकाए हुए हैं। जमीन दिया हुआ है, राजा महाराजा ने जो जमीन दिया था उसी जमीन पे बनाना है, बस उस जमीन को क्या करना है, अतिक्रमण मुक्त करना है, उस जमीन पे बस मिट्टी भरवाना है। लेकिन ये मगध राक्षस उस काम को भी रोक रहे हैं, उस काम पे भी अरंगा लगा रहे हैं, इसीलिए हम विरोध करते हैं और हमारा विरोध ये जारी रहेगा। और हम शान से कहते हैं कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं है, हम सब मैथिल छी, बिहारी नहीं। एक बात बताइए, संजय झा आप ही लोग क्षेत्र से आते हैं, जदयू के कई मंत्री
जीवेश मिश्रा का नाम ले लीजिए, भाजपा से हैं, मतलब कई मंत्री जो बिहार कैबिनेट के हैं आप लोग के क्षेत्र से आते हैं। मैं शाहबाद से अपनी तरफ का आपको समीकरण बता दूं, हमारी तरफ 80% सीटें जो हैं वो महागठबंधन को गई हैं, आप लोगों की तरफ 80% सीटें बीजेपी को जाती हैं। भाई बीजेपी भी सत्ता में है ना, सत्ता में ये लोग नहीं जिम्मेदार हैं, और भाई वोट दे रहे हैं आप लोग। सवाल आप लोगों को करना चाहिए, हर साल बाढ़ के नाम पे ये लोग बाढ़ को प्लान करते हैं बिहार सरकार। मैं ये बात ऑन कैमरा बार बार कहता हूँ एक पत्रकार होने के बावजूद, कि इनके लिए महामारी जो है वो एक अवसर, मतलब अवसर हो जाता अवसर होता है इनके लिए कि बाढ़ आएगा तुम पैसा कमाएंगे। भाई आप लोग के क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है उनसे सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है? और एक बात और, आप जो बोल रहे हैं कि सिर्फ मगध का विकास हुआ, तो एक बात मैं जानकारी आप लोगों को दे दूं, मिथिला के साथ साथ भोजपुर भी बहुत पीछे रह गया है। लेकिन खुला कुछ नहीं है। हम सबसे पहले पहले सवाल का उत्तर देता हूँ। देखिये क्या है कि लोगों को ये दिख रहा है कि भाजपा सत्ता में जरूर है लेकिन भाजपा का सीएम नहीं है, तो लोगों को ये लग रहा है कि भैया जदयू और जो हमारे राजद हैं इन्होंने मिथिला के साथ ना इंसाफी किया, भाजपा भी शामिल है। लेकिन भाजपा में यहाँ पे ये हुआ है कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, नीति है, वो मिथिला में उसमें वो भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे अटल जी ने सबसे पहले क्या किया था, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर आपको मालूम है कि मिथिला को दिया था, फिर मैथिली आपको मालूम है बिहार की एकमात्र भाषा है जिसको अष्टम अनुसूची में शामिल किया गया, अटल जी ने किया था। इसके बाद अभी लोग देते हैं कि मिथिला में एयरपोर्ट एम्स, ये भी नीतीश कुमार ने नहीं दिया है, ये भी केंद्र की योजना है। तो केंद्र के प्रति, केंद्र में जो बीजेपी है, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसके प्रति हमारे लोगों का एक सहानुभूति है, सॉफ्ट कॉर्नर है। उनको ऐसा लगता है कि केंद्र में रहकर बीजेपी सरकार मिथिला को विकसित करना चाहती है, अगर ये राज्य में भी आ जाएगी तो शायद ये विकसित कर दे, ये नीतीश बाबू से अच्छा साबित होंगे, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और तेजस्वी जी इसलिए हारते हैं कि उन्होंने, उनके पिता ने क्या किया, एक एक करके चीनी मिल बंद करवाया जो फैक्ट है, मैथिली भाषा को बीपीएससी में से हटवा दिया, मैथिली भाषा को अपमानित करने का काम किया उन्होंने किया है, और नीतीश जी क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम ही है। तो इनके प्रति नाराजगी है जो इस बार दिखा है। दूसरी बात मैं आता हूँ बस, लेकिन बीजेपी भी भेदभाव कर रही है तो ये हम बताएंगे। बिहार बीजेपी, हाँ हाँ बिहार बीजेपी, क्योंकि डम्मी कैंडिडेट हैं सब, जितने लोगों का नाम लिया है सब डम्मी है। जब आपने भोजपुर क्षेत्र की बात की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस बिहार नाम के आर्टिफिशियल शब्द से सिर्फ और सिर्फ मगध के लोगों को लगाव है। भोजपुर के लोग भी चाहते हैं कि पूर्वांचल एक अलग राज्य बने। आप बक्सर में जाकर सर्वे करवाइए, आप आरा में जाकर सर्वे करवाइए, आप सारण में जाकर सर्वे करवाइए, और वो लोग कहेंगे कि हम पूर्वांचल में जाना चाहते हैं, हमारे लिए गोरखपुर नज़दीक है, हमारे बच्चे पटना की जगह पे गोरखपुर पढ़ने जाते हैं। तो आप जो भोजपुर इलाके की बात कर रहे हैं, यहाँ भी एक सेंटीमेंट है कि हमें बिहार से अलग होना है, बस उसको हवा दे। जैसे बक्सर का मैं हूँ तो बक्सर के लिए सही बात है, हमारे लिए बनारस जो है वो पटना से ज्यादा क्लोज हो जाता है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है, पटना 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमारे यहाँ इलाज भी कराना हुआ तो फर्स्ट से दूर जाता है, पीएमसीएच नहीं आता। इसीलिए तो भावना है, आप देखेंगे कि पूर्वांचल हम जब भी कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं हम लोग, तो भोजपुरी भाषी लोग कहते हैं कि हम भी पूर्वांचल की मांग कर रहे हैं। और हमें ये ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बिहार को कई बार जो है, बिहार के नौजवानों को और बिहार के लोगों को हमने रास्ता दिखाया है, तो हमें ऐसा लगता है कि मिथिला राज्य की मांग जब हम तेज होगी, और इसके लिए जो हम लोग दिल्ली में आंदोलन करने वाले हैं, और ये मांग जो है मुखरता के साथ जो है इसमें लोग जो है इसका जो है मांग करना शुरू करेंगे, तो आप देखिएगा पूर्वांचल का मांग भी होगा, भोजपुर के लोग भी हमारे काउज को सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए सपोर्ट करें? क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव बिहार में हो रहा है, और वो भी बिहार का पार्ट रहना नहीं चाहते। और देखिएगा कोई ना कोई भोजपुर का भी बेटा ऐसा होगा जो आंदोलन को लीड करेगा, और हम पूर्वांचल राज्य बनने के हम लोग कट्टर समर्थक हैं, क्योंकि यूपी भी बहुत बड़ा है, बिहार भी बहुत बड़ा है, दोनों में एक अलग अलग राज्य बनना चाहिए। और जैसे आपने बक्सर की बात की, बिल्कुल बक्सर को मिलाकर पूर्वांचल बनाया जाना चाहिए। पटना क्यों आएंगे भाई? नीतीश कुमार की क्या मानसिकता है कि भैया पूर्णिया वाला भी पटना आए, बक्सर वाला भी पटना आए, दरभंगा वाला भी पटना, पटना क्यों आएंगे हम भाई? हमको हमारे क्षेत्र में दीजिए रोजगार, हमको हमारे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज दीजिए, हमको हमारे क्षेत्र में जो है फैक्ट्री लगाइए, हम पटना क्यों आएंगे? हाईकोर्ट लगाइए आप। आप पूर्णिया वाले को पटना बुलाते हैं, क्यों आएगा 400 किलोमीटर वो? आप क्यों नहीं हाईकोर्ट बेंच की घोषणा करते हैं मिथिला क्षेत्र में, ताकि हमको वहां पर नहीं आना पड़े? यूपी में दो दो हाईकोर्ट बेंच है, झारखंड में इवन दो दो हाईकोर्ट बेंच की घोषणा होने वाली है,
हम अब झारखंड कहते झारखंड बनने से क्या फायदा हुआ भाई, झारखंड सरकार ने कहा कि एक द्वितीय राजधानी भी बनाएंगे, एक अलग हम हाईकोर्ट बेंच भी बनाएंगे, लेकिन बिहार इतना बड़ा राज्य है और आप हाईकोर्ट बेंच की घोषणा क्यों नहीं करते हैं? ये कौन सी आपकी मानसिकता है कि लोग मगध की गुलामी करने पूर्णिया से आए, ये कैसी मानसिकता है कि लोग मगध की गुलामी करने बक्सर से आए, ये कैसी मानसिकता है कि लोग जो है दरभंगा से गुलामी करने मगध पटना आए, अब वहां पे व्यवस्था क्यों नहीं करवाते? इसी मानसिकता के विरुद्ध हम लोग मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं कि हम मगध पहले भी नहीं आते थे और हम वर्तमान में भी अब मगध नहीं आना चाहते हैं। हाँ, जब मन होगा वो आएंगे, लेकिन हम इलाज करवाने रेफर कर दिया जाता है, पेशेंट हमारा रास्ते में मर जाता है। बिहार का नंबर वन कॉलेज था मेडिकल कॉलेज DMCH, बर्बाद कर दिया गया, पूरा बर्बाद कर दिया गया। तो इसीलिए हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं कि हम पटना नहीं आना चाहते हैं, हमारे लोग पटना आना नहीं चाहते हैं, और आप उनको बुलाते हैं, जबरदस्ती बुलाते हैं। आपने वहां की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दी, आपने वहां की मेडिकल व्यवस्था ध्वस्त कर दिया है, आपने वहां की इंडस्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। आदित्य बाबू ने कहा था एक समय हमारे यहाँ 20-20 चीनी मिल था, दरभंगा में 2 चीनी मिल, रैयाम लोहर सकड़ी, मधुबनी में 1 लोहट, आप जाइए समस्तीपुर में हसनपुर चीनी मिल, एक और चीनी मिल था, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल, पूर्णिया में एशिया का सबसे बड़ा बनमक्खी चीनी मिल, चंपारण में 4-5 चीनी मिल था। तो हमारे सारे चीनी मिल को आपने बंद कर दिया। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं कि भैया मिथिला में तो इंडस्ट्री था, इसको बंद कर दिया गया है। मिथिला में अंग्रेज गुलाम जब थे हम, तो अंग्रेज ने क्या किया, अंग्रेज बेवकूफ था क्या, वो चीनी मिल लगवा दिया या चीनी मिल लगवाने के लिए मोटिवेट किया लोगों को? अंग्रेज को मालूम था कि मिथिला में पानी है, उन्होंने बांध नहीं बनवाया, उसने कहा कि भाई पानी में जो है गन्ने का फसल होगा तो चीनी मिल लगाओ, उसने कहा कि भाई मखाना का उत्पादन करो, पानी में कई सारा फसल होता है ना, मखाना सुपर फूड है, लेकिन हम उसको सुपर फूड नहीं बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मखाना मेडिकल फूड बने, मेडिकल फूड बने, हर बीमारी का इलाज मखाना में है, तो हम मखाना उत्पादन करके हम रोजगार लोगों को दे सकते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, मखाना हमारे यहाँ पैदा होगा, लीची हमारे मुजफ्फरपुर में होगा, मक्का हमारे पूर्णिया में होगा, लेकिन ये लोग, लेकिन फूड पार्क जो है कहाँ लगेगा, उत्तराखंड में, वैल्यू एडिशन कहाँ होगा, उत्तराखंड में, भाई जूस लीची का जूस कहाँ बनेगा, दिल्ली में, पर लीची का जूस दिल्ली में क्यों बनेगा, तुम मुजफ्फरपुर में फूड पार्क क्यों नहीं लगाते हो, तुम पूर्णिया में फूड पार्क क्यों नहीं लगाते हो, तुम दरभंगा में फूड पार्क क्यों नहीं लगाते हो? बिहार में 10 दिन पहले रिपोर्ट छपा था कि बिहार में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन दरभंगा में होता है, सबसे ज्यादा, तुम दरभंगा में फूड पार्क क्यों नहीं लगाते हो, ताकि वहां मखाना को जो है प्रोसेस किया जा सके, ताकि वहां आम को प्रोसेस किया जा सके। भैया मखाना और मक्का जो है मेडिकल फूड है और ये सबसे ज्यादा इसका उत्पादन हमारे मिथिला में होता है, फूड पार्क क्यों नहीं लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हारा इरादा है कि मिथिला के लोग श्रमजीवी में, जनसाधारण में मजदूर बनकर दिल्ली जाए, रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, टॉयलेट साफ करे, और तुम हम इसीलिए तुम नहीं लगाते हो। एक सवाल जरा आदित्य जी से ले लेते हैं, देखिए ये जातिगत सवाल होगा, एक और आरोप आप लोग के ऊपर लगाया जाता है कि ये जो आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, बहुत अच्छा डेटा आपने रखा अनूप जी, ये जो आप लोग आंदोलन चला रहे हैं ये ब्राह्मणवादी आंदोलन है, सुनिएगा मेरी बात, और कुछ कुछ इसमें जो करंट कास्ट के लोग, मतलब जो फॉरवर्ड कम्युनिटी, आप सीधा बात समझ लीजिए, मैं सिर्फ ब्राह्मणों से भी नहीं चलूंगा, उनका ही ये आंदोलन है क्योंकि उनको नेता बनना है। आम जनता जो है बिहार की, मतलब माफ कीजिएगा मिथिला की, आप लोग के क्षेत्र की, उसको इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। तो आप जब मिथिला आइएगा वो गाँव में ले जाएंगे, कहीं किसी टोले में बैठाएंगे, आप जात पूछिएगा, आप पूछिएगा मिथिला राज चाहिए कि नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है, देखिए आरोप जो लगता है ना बिहार में, बिल्कुल जैसे आपने ब्लंटली पूछा, मैं आपको ब्लंटली जवाब दे दूँ, बिहार में पिछले 40 सालों में सिर्फ जातिगत, कमेंट आया था आप लोगों के वीडियो पर, हाँ, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल जातिगत राजनीति ही होती आई है। अब क्या हुआ है, देखिए आप मिथिला राज्य जो हमारा मूवमेंट शुरू हुआ, MSU जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन, इसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारे संगठन में जब शुरुआत हुई तो बिल्कुल सही बात है कि शुरू में जो ब्राह्मण है या कोई इस प्रकार की जाति है वही लोग थे, मतलब जब संगठन फैल रहा है तब लोग जुड़ रहे हैं बड़ी संख्या में, तब हमको पता है कि पूर्णिया में मिथिला राज्य निर्माण आंदोलन प्रभारी हमने घोषणा किया है, और 4 अनुमंडल और 17 प्रखंड में हमने टीम की घोषणा की है। ठीक है, आपको बताता हूँ कि 4 के 4 अनुमंडल और 17 में से 15 सब गैर ब्राह्मण ही नहीं, बल्कि जनरल कैटेगरी ही नहीं है, मतलब जो उच्च वर्ग हैं उनमें बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा। संगठन जो है वो फैलते शुरुआत में जब कांग्रेस थी, तो कांग्रेस जब बनी थी
तब क्या थी, एक वकीलों का गुट था, था ना, वकीलों का संगठन। बिल्कुल। आज से 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले लोग भाजपा को कहते थे ब्राह्मण बनियों का संगठन, आज तो नहीं कहते हैं, कितना सीएम है ब्राह्मण का। बिल्कुल। तो मिथिला आंदोलन जो अभी शुरू हुआ, आप बताइए, मेरी 28 साल उम्र है, ये तो बूढ़े हो गए, लेकिन बाकी लोग जो हैं अभी नए नए जुड़े हैं, ठीक है, तो ये जो नए नए लोग जुड़े हैं ये शुरू में जाति नहीं देख रहे थे, ये विचार देख रहे थे, अब जब कलेक्ट हुआ है तो अब उनको ये बात सत्य है। मैं इसको एक चैलेंज के तौर पर, एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पर चैलेंज के तौर पर लेता हूँ कि हमको इसको हर एक जाति हर एक वर्ग तक ले जाना है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हो रहा है। दरभंगा, हमारे दरभंगा जो 22 प्रखंड अध्यक्ष हैं उसमें से 16 अभी वीरेंद्र जी ने बताया 16 प्रखंड अध्यक्ष जो है, कोई पासवान है, कोई यादव है, कोई अलग अलग, सब अलग अलग जाति के, मतलब सभी लोग जुड़े रहे हैं संगठन। मैंने कहा नहीं, कांग्रेस शुरू थी तो वो वकीलों का संगठन था, पर धीरे धीरे जो लोग जुड़ा, तो ऐसे ही संगठन जब शुरू हुआ तब तो ऑब्वियसली ये ब्राह्मण थे, इन्होंने फाउंड किया है, ये ब्राह्मण थे, इनका दोस्त कौन रहा होगा, मान लीजिए लेट सपोज अभी 16 साल के रहे होंगे तो ये अपने स्कूल में पढ़ रहे होंगे, हो सकता है, तो उस वक्त में संगठन में कुछ ब्राह्मण लोग ज्यादा हो गए थे। अभी संगठन में पैन हर जाति के हैं, हर धर्म के हैं। अब एक और बात, एक ब्लंटली मैं बताता हूँ आपको, जो ज्यादातर इसमें आप ये हो सकता है इसमें काउंटर सवाल पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, संगठन में आप जो है वो प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर टीम आ रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है उसमें तो मान लीजिए आपने उस प्रकार के चेहरे को प्रमोट नहीं किया। देखिए पहली बात कि हमारी राष्ट्रीय टीम में उसमें भी सब जाति के लोग हैं, 7 जाति के टोटल लोग हैं अभी अलग अलग, बट जो आप कहेंगे कि एक चेहरे के तौर पर कोई पासवान चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है या यादव चेहरा क्यों नहीं, ये अब ये सवाल ब्लंटली होता है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 40 सालों में जो यादव राजनीति के रूप में अग्रिय हुए उन्हें लालू जी ने अपने साथ ले लिया, वो राजद में चले, जो पासवान उठे राजनीतिक रूप से वो रामविलास जी के साथ चले, जो कुशवाहा उठे वो उधर चले गए, जो कुर्मी उठे वो नीतीश जी के साथ चले गए, तो जो भी जाति है वो तो, और मुकेश सहनी के साथ कुछ मलाह चले गए, उसके बाद मांझी जी के साथ चले गए, तो जो भी जाति है और उसमें जो पॉलिटिकली इनक्लाइंड लोग हैं थे पिछले 5 सालों में वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हैं। अब जो ये नया आंदोलन हो रहा है इसमें वो लोग होंगे, 5 साल बाद आप देखिएगा कि इस आंदोलन में यादव चेहरा कौन है, पासवान चेहरा कौन है, ब्राह्मण चेहरा कौन है। मैं इस आंदोलन को जातिगत तरीके से नहीं देख रहा हूँ, विकास के तरीके से देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे साथ जो धर्मेंद्र यादव जुड़ रहा है या हमारे साथ जो मुकेश सहनी जुड़ रहा है, एक लड़का है हमारा, या कोई और लड़का तमसील अहमद जो जुड़ रहा है, ये सब लीडर के तौर पर ग्रो हो रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि 5 साल बाद ये किसी भी अपने जाति के किसी भी नेता जो अन्य पार्टी में है उसको डायरेक्ट चैलेंज देने लायक होंगे, तब आप देखिएगा कि ये जाति, ये जो आंदोलन है वो किस प्रकार का आंदोलन है। इसमें जाति धर्म का कोई मतलब नहीं है, बस शुरुआत में जब आप कंपनी फाउंड करते हैं, शुरुआत करते हैं तो आप अपने कॉलेज मेट से, हॉस्टल मेट, ऐसे लोगों को जोड़ लेते हैं, और फिर जब आपको कंपनी बड़ा करना होता है तब आप हायरिंग करते हैं, अलग अलग कॉलेजों में जाके, रीजन में जाके डाइवर्सिटी लाते हैं, तो वो अभी प्रक्रिया चल रहा है, मतलब पूरा कॉर्पोरेट मॉडल पे काम हो रहा है दरभंगा में। एग्जैक्टली कॉर्पोरेट। एक बात और, एक बात और, हाँ बताइए। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण है, सब स्पष्टीकरण तो दे दिया गया है, हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए इस आंदोलन मिथिला राज्य ब्राह्मणों ने मिलकर बना दिया, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो क्या मिथिला राज्य जो बनेगा क्या उसमें चुनाव नहीं होगा, क्या उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, और जब चुनाव होगा तो चुनाव का तो आपको मालूम है जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी है वर्तमान में भी और आगे में भी रहेगा। हाँ, उसमें ये हम सुधार चाहते हैं कि भैया जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी हो विधानसभा में, लेकिन उसमें वैसे पढ़े लिखे लोग आए, ऐसे लोगों को हम ट्रेंड कर रहे हैं जो विकास की बात करके आ गया है, ना कि जाति की बात करके आए। तो जब चुनाव होगा, अभी मिथिला से हमने देखा है कि दरभंगा में 2 ब्राह्मण विधायक, मधुबनी में 2 ब्राह्मण और सहरसा में 1 ब्राह्मण, सीतामढ़ी 0, सहरसा 0, सहरसा में 1, सुपौल 0, पूर्णिया 0, कटिहार 0, किशनगंज 0, मुजफ्फरपुर 0, बेगूसराय 0, एक दो में भूल गया होगा, छूट गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिथिला क्षेत्र, जिस मिथिला की बात कर रहे हैं, 7 ब्राह्मण विधायक होगा मैक्सिमम, मेरे नज़र में 5 ही हैं, मैं 2 ऐड कर दूँ। मैं कहता हूँ कि मिथिला राज्य बनने के बाद क्या ब्राह्मण विधायकों की संख्या 70 हो जाएगी, ये तो 7 साथ ही रहेगा ना भाई, 7 से ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए, हो सकता है कि हम आदित्य जी बहुत अच्छा काम कर ले और हमारे संगठन के एक दो और अच्छा काम कर ले तो हम इतने पॉपुलर हो जाए कि हमें हर जाति के लोग वोट करके हमें गैर ब्राह्मण सीट से भी पहुंचा दे, तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ के 10 हो जाएगा, लेकिन हमारे राज्य में तो कम से कम 110 विधायक रहेंगे ना, कम से कम
110 विधायक में तो 100 विधायक गैर ब्राह्मण रहेंगे भाई, तो ब्राह्मण राज कहां से आएगा ये बताइए ना भाई। नहीं नहीं, ये आरोप लगाया जा रहा है, गलत आरोप। कमेंट सेक्शन आप अगर देखिए, अपने ही वीडियो का जानते हैं, हमर मैथिली में वो कहावत छे, मैंने लॉजिक दे दिया कि ब्राह्मण राज कहां से आएगा। हमर मैथिली में वो कहावत छे, किछ लोग होइ छे जे कहत बात अहां के सब मानब लेकिन खुट्टा हम ओते गाड़ब। मतलब सारी बात आपकी मान गए कि ब्राह्मण 10 से ज्यादा नहीं बनेगा, ये भी मान गए कि चुनाव होगा तो जो है गैर ब्राह्मण जीतेंगे, लेकिन फिर भी कहेंगे कि ब्राह्मण राज आएगा। तो ऐसे लोगों के आगे जो है भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस पर ही पकड़ाई वाला बात। ठीक है, अब एक अंतिम सवाल आप लोग से ले लेते हैं। बिहारी आइडेंटिटी को ही आप लोग एकदम, मतलब भाई जिस तरह कैमरा पे आप लोग, मैंने कुछ वीडियोस देखा है, आपका भी देखा, आप लोग सीधे इनकार करते हैं। कैसे बोलते हैं ना कि हम मैथिल छे, आप लोग बोलते हैं तो बिहारी नहीं है आप लोग? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई लोग कहते हैं कि बिहार राज्य है आपका और आप बिहारी हैं। तो देखिए, भारत जो है विभिन्न आप फेज देखेंगे तो कभी हम अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन फिर भी हमारे पुरखा जो थे वो कहते थे कि हम अंग्रेजी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। कहते थे कि नहीं कहते थे? कभी कभी क्या होता है कि जबरदस्ती जो है ताकत के दम पे, जैसे ताकत के दम पे बिहार बना दिया गया, आदित्य जी ने कहा कि टैक्स कलेक्शन यूनिट के तौर पे बिहार बनाया गया ताकत के दम पे, हमारी ताकत कम थी तो आपने जबरदस्ती हम पे बिहार थोप दिया, बिहार नाम का एक जो है फॉल्स आइडेंटिटी हम पे थोप दिया। तो ताकत के दम पे कई साम्राज्य ने जो है कई जगह को जो है फतह किया, लेकिन क्या वहां के लोगों ने स्वीकार कर लिया? क्या किया? क्या नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि बिहार 1912 में बना, उससे पहले बिहार की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, और जबरदस्ती हमें बिहार में, उस समय भी हमने मांगा था कि अलग मिथिला राज्य का गठन हो। उस समय हमारे पुरखों ने कहा था अलग मिथिला, अलग मगध भोजपुर, अलग उड़ीसा और अलग झारखंड राज्य एक बने। 100 साल से ज्यादा हो गया है मिथिला राज्य की मांग को 100 साल से ज्यादा, 100 साल। लेकिन ताकत के दम पे, क्योंकि उस समय बिहार और देश की राजनीति में कुछ लोग थे जो सक्रिय थे, उन्होंने ताकत के दम पे हम पे एक फेक आइडेंटिटी थोप दिया है, लेकिन अब हम इस पहचान को नहीं मानेंगे। और वैसे भी हमारे देश में स्टेट सिटीजनशिप नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देश कहता है कि आप देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के साथ आप किसी भी पहचान को अपना सकते हैं, और हमारे देश के संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम पटना के सड़क पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम बिहारी नहीं हैं, मैथिल हैं। हम दिल्ली की सड़कों पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि हम बिहारी नहीं मैथिल हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ एक आइडेंटिटी से प्यार है, वो है भारत, भारतीय, हम प्राउड इंडियन हैं। और उसके बाद अगर कोई आइडेंटिटी हमको प्यारी है तो वो हमारा है मिथिला, मैथिली। 100 साल, जल्दी आंसर दे दीजिएगा, काफी लंबा हो गया इंटरव्यू। 100 साल से आप बोल रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है, और कितना साल लगेगा अभी? देखिए, आप लोगों को सफलता मिलेगा, 4 पीढ़ी बीत चुकी है। तो कई बार क्या होता है ना कि आज़ादी के लड़ाई में भी बहुत सारी पीढ़ियाँ बीत गई थी। अब चीज़ें ऐसी है कि अब तक जो आंदोलन हो रहा था मिथिला आंदोलन, जैसे क्या होता है ना, हाथ काट देता है आपको कोई। मिथिला का जो 7 जिला था वो सुगौली संधि में 1816 में नेपाल को दे दिया गया। तो हम तो छोटे हो गए, हमारी शक्ति कमज़ोर हो गई। तो 1816 के बाद मिथिला नाम की आइडेंटिटी कमज़ोर कर दी गई थी। उसके बाद जब अलग अलग समय में जब राज्यों की मांग हुई, तो ये बिहार फॉर्मेशन जो स्टेट है वो दरभंगा महाराज के नेतृत्व में हुई थी। ही वॉज वेरी बिग पार्ट प्लेयर। और उस बाद जब उन्होंने वो चीज़ किया, उसके बाद उन्होंने भी मांग किया मिथिला राज्य की, लेकिन कभी इस तरीके से। और उसके बाद तो फिर हमारी गरीबी का दौर आ गया, फिर हम पलायन के शिकार हो गए, तो कमजोर स्थिति हो गई। अब जो है ऐसा हो रहा है कि जो एक युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो रोजगार की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, वो अब अपने आइडेंटिटी की बात कर रहा है। तो बहुत जल्दी मिथिला राज्य, बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, देखिए यूएस का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स का, अमेरिका का। 33 करोड़ आबादी है वहाँ, 34 करोड़ मान लीजिए, लगभग 34 करोड़ की आबादी है, और वहाँ पर करीब 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, और भारत में 134 करोड़ की आबादी है, तब यहाँ पर 28 राज्य हैं। तो और जैसा ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम भारतीय होने का हमेशा समर्थन करते हैं, भारत के संविधान का समर्थन करते हैं, इसलिए हमें अलग राज्य मिल जानी चाहिए। जितने भी लोग मिथिला क्षेत्र से ये वीडियो देख रहे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही साथ जो लोग मगध से देख रहे थे वो भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।